वेलकम बैक गाइस टू योर ओन चैनल। मैं हूं आपका विशाल सर, विशाल कुमार जायसवाल। गाइस, सीबीसी ने अपना ऑफिशियल पेपर जो है फॉर द स्टूडेंट्स ऑफ 2020-21 क्लास 10 12 के लिए रिलीज कर दिया है। इसकी जानकारी हम पहले ही आपको दे चुके हैं, डिटेल से दे चुके हैं, और अब हम सीरीज शुरू कर चुके हैं, कर रहे हैं और कर चुके भी हैं कि हम आपको ना सिर्फ सीबीसी के ऑफिशियल सैंपल पेपर्स को पूरी तरह से एक्सप्लेन करेंगे, ठीक है, बल्कि हम उसको फुली सॉल्व पेपर भी आपके लिए अवेलेबल कराएंगे। अब यहाँ पे एक खास बात है कि इस बदले हुए अभी के प्रेजेंट सिनेरियो में जो पैंडेमिक सिचुएशन है इस वक्त, इन सभी पैटर्न्स को क्लास 10 12 के स्टूडेंट्स को समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि सिलेबस रिडक्शन हो चुका है, ये हम सभी जानते हैं, बहुत सारे चैप्टर आउट हैं। तो इस नए जो अभी बोर्ड में 2021 में जो बच्चे एग्ज़ाम लिखेंगे उनका क्वेश्चन पेपर किस तरह से आएगा, मार्किंग स्कीम क्या होगा, इसे समझना बहुत ज़रूरी है। ब्लूप्रिंट क्या है वो हम आपको अवेलेबल कराएंगे, फुली सॉल्व सैंपल पेपर्स आपको अवेलेबल कराएंगे, और आज हम देखेंगे इस सब्जेक्ट के वीडियो को। तो गाइज, आज हम डिस्कस करने वाले हैं आपका सैंपल क्वेश्चन पेपर 2021, ठीक है, क्लास 10 साइंस का पेपर आज हम डिस्कशन करेंगे और इसकी बारीकियों को समझेंगे कि क्या कुछ है, किस तरह का पैटर्न इस बार सेट किया जा रहा है आप सभी के लिए 2020-21 के लिए, ठीक है। तो चलिए मैं आपको बता दूं, अब आपको ध्यान यहाँ देना है कि बेसिक चीज़ें क्या क्या चेंजेस आए हैं और क्या क्या चीज़ें चेंजेस नहीं आए हैं, ठीक है। तो ये पूरा क्वेश्चन पेपर गाइस बच्चों जो आपका है ये 4 सेक्शंस में बटा हुआ है, ए बी सी एंड डी। टोटल नंबर ऑफ जो क्वेश्चंस हैं वो हैं 36, सभी के सभी क्वेश्चंस कंपलसरी हैं, लेकिन इसको देख करके आपको घबराना नहीं है क्योंकि यहाँ पे आपके एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे हैं, 2 नंबर 3 नंबर वाले काफ़ी क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, तो आपको प्रॉब्लम इशू नहीं होगा कोई भी सॉल्व करने में या स्कोर करने में, अगर आप थोड़ा सा डेप्थ में पढ़ाई करते हैं तो, ठीक है। तो अब यहाँ सेक्शन 1 में ए में हम देखते हैं, यहाँ पे 1 से 20 यानी कि 20 क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे, ठीक है। सभी के सभी क्वेश्चन जो होंगे वो 1 मार्क्स के होंगे, ठीक है। ये क्वेश्चंस जो हो सकते हैं ये हो सकते हैं एमसीक्यू टाइप क्वेश्चंस होंगे, वेरी शॉर्ट क्वेश्चन आंसर होंगे, ठीक है, रीजन असर्टेन टाइप के क्वेश्चंस हो सकते हैं, ठीक है। तो मतलब आपको कुल मिला के ये कह लीजिए कि आपको 1 मार्क्स का है तो एक वर्ड या एक सेंटेंस में ही आपको यहाँ पे आंसर करना है, ठीक है। अब चलिए हम चलते हैं सेक्शन बी की तरफ। सेक्शन बी जो है आपका बच्चों वो है आपका 21 से 26, यानी कि यहाँ पर आपको टोटल क्वेश्चन जो पूछे जाएंगे वो 6 पूछे जाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे जो हर क्वेश्चन में मार्क्स आपको दिया अलॉट है वो है 2 नंबर का, ठीक है। जो वर्ड लिमिट है वो है 30-50 वर्ड लिमिट्स, ठीक है। अब हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। अब सेक्शन सी को देखिए, सेक्शन सी जो है वो क्वेश्चन नंबर 27 से लेकर के 33 तक जाएगा, और ये एक एक क्वेश्चन आपका जो होगा वो 3-3 मार्क्स का होगा, 3-3 मार्क्स का है, और साथ ही साथ में वर्ड लिमिट जो है वो है 50-80 वर्ड्स, ठीक है। हम आपको सैंपल क्वेश्चन पेपर भी दिखाएंगे, पहले पैटर्न समझ लेते हैं जो क्या क्या बदलाव है, किस टाइप के क्वेश्चन आ रहे हैं। अब यहाँ पर गौर कीजिए बच्चों कि सेक्शन डी में क्या हो रहा है। सेक्शन डी जो है वो आपका चलेगा 34, 35, 36, यानी कि 3 लॉन्ग आंसर टाइप क्वेश्चन आएंगे, ज़्यादा नहीं है, 3 ही हैं, ठीक है। हर क्वेश्चन जो है वो 5 मार्क्स का है, और वर्ड लिमिट जो रहेगा वो रहेगा 80-120 वर्ड्स, यानी कि इसे बहुत ज़्यादा आपके लिए दिक्कत नहीं होने वाला चांस है, ठीक है, आप आराम से इसे हैंडल कर पाइएगा, कोई इश्यूज नहीं होगा। और जैसा कि अभी आप देख रहे हो कि एमसीक्यूज काफ़ी अच्छे संख्या में दिए गए हैं, 2 नंबर के क्वेश्चंस काफ़ी अच्छे संख्या में है, 3 नंबर तक में भी आप आराम से फेस कर लोगे। सिर्फ सेक्शन डी को जो आपको फेस करना है 3 क्वेश्चंस को, जिसको आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, ठीक है। अब यहाँ पर कोई ओवरऑल चॉइस आपको दिया नहीं गया है, हाँ इंटरनल चॉइसेस आपको प्रोवाइड किया जाएगा कुछ क्वेश्चंस में, ठीक है। और अगर इंटरनल दिया जाएगा या ऑप्शनल क्वेश्चन दिया जाएगा तो बोलने की बात नहीं है, सिर्फ एक ही क्वेश्चन करना है आपको, ठीक है। अब यहाँ पे आपको एक खास बात और है, वो तो साइंस के सभी स्टूडेंट जानते हैं कि जहाँ कहीं भी ज़रूरत पड़ता है आप नीट एंड प्रॉपरली लेबल्ड डायग्राम बनाएंगे और उस पर आपको मार्क्स अच्छे मिलते हैं, तो मैं आपको सजेस्ट करूँगा कि ये आपको करना चाहिए। तो अब यहाँ पे गाइस देखिए, यहाँ पे थोड़े एक हल्के फास्ट स्पीड में मैं आपको पैटर्न दिखा देता हूं जो सीबीएसई की तरफ से रिलीज हुआ है क्वेश्चन पेपर। सेक्शन ए में देखिए, यहां पे एक एक नंबर के क्वेश्चंस हैं, आप देख रहे हो अपने स्क्रीन पर। अब यहां पे कुछ बेसिक क्वेश्चंस को हम ले लेते हैं, अभी इसमें टोटल क्वेश्चंस तो ले पाना संभव नहीं होगा, लेकिन हम बेसिक लेते हैं। जैसे यहां पे क्वेश्चन नंबर 1 है, लिस्ट एनी 2 ऑब्जर्वेशंस व्हेन फेरस सल्फेट इज हीटेड इन अ ड्राई टेस्ट ट्यूब, ठीक है। अब यहां देखिए, पहले ही क्वेश्चन में आपको ऑप्शन मिल गया, मतलब 2 में से ये 2 क्वेश्चंस हैं, यहाँ पे ये और यहाँ पे ये, एक 2 क्वेश्चंस हैं, तो दोनों में से कोई एक क्वेश्चन करना है और 1 नंबर आपका आराम से है, और जो कि आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में ही आंसर करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए जो आपका आंसर था वो था, अगर आप चाहें तो पहला वाला का दे दीजिए,
टू ऑब्जर्वेशंस आपको बताने हैं, तो आप यहाँ कह सकते हैं कि कलरलेस गैस इज इवॉल्व, इसमें होता है गैस विथ चोकिंग स्मेल इज इवॉल्व, ठीक है ओके. अब यहाँ अगर आप सेकंड कर देते हैं, आइडेंटिफाई द प्रोडक्ट फॉर्म्स व्हेन 1 ml ऑफ डाइल्यूटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू 1 g ऑफ सोडियम मेटल, ठीक है. तो अगर ऐसा चीज़ हो तो क्या होगा, तो आपका आंसर होना चाहिए सोडियम क्लोराइड एंड हाइड्रोजन गैस, ठीक है. तो ये हो गया आपका आराम से क्वेश्चन नंबर 1. अब हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2 को. राइट द केमिकल नेम एंड केमिकल फार्मूला ऑफ द सॉल्ट यूज टू रिमूव परमानेंट हार्डनेस ऑफ वाटर. जो हार्डनेस ऑफ वाटर होता है उसको पूरी तरह से हटाने के लिए, ठीक है, उसको रिमूव करने के लिए जो सॉल्ट यूज किया जाता है उसका केमिकल नेम और केमिकल फार्मूला आपको बताना है. तो यहाँ पे जो केमिकल नेम है वो है सोडियम कार्बोनेट डी काइड्रेट, ठीक है, Na2CO3 10S2O, ये है आपका आंसर, ठीक है. आंसर शीट अगर आप चाहेंगे तो हम आपको अवेलेबल करा देंगे, ठीक है, विद मार्किंग स्कीम. ओके, क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ चलते हैं. देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑब्जर्व्ड इन अ होमोलोगस गैस होमोलोगस सीरीज, गिव रीजन फॉर योर चॉइस, ठीक है. तो यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 3 में आपको बोल रहा है, तो आपका यहाँ पे ऑप्शन 4 दे दिया गया. आंसर तो ऑब्वियसली चेंज इन केमिकल प्रॉपर्टीज है, ठीक है. क्यों है, क्योंकि इट डज नॉट अकर ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ सेम फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, क्योंकि ये नहीं उत्पन्न होता है सेम फंक्शनल ग्रुप के प्रेजेंस के कारण, ठीक है. अब हम आते हैं, व्हाई डज द सन अपीयर वाइट एट नून, दोपहर में सूरज सन जो है वो वाइट क्यों दिखाई देता है. तो देखो ये यही बेसिक टाइप के क्वेश्चंस हैं, अगर आप थोड़ा फोकस कीजिएगा तो आपको आंसर मिल जाएगा इसका. वैसे आपको मैं आंसर बता दूं, इसका आंसर है द लाइट इज लीस्ट स्कैटर्ड एट नून, क्योंकि लाइट जो है वो उस समय सबसे कम स्कैटर होता है दोपहर के समय पर, ठीक है. तो इसी तरह से आपको कुछ देखिए क्वेश्चंस पूछे गए हैं, 8, 9, 10, ये सब जो क्वेश्चंस हैं आपका पूरे के पूरे जो क्वेश्चंस हैं ये एसर्शन टाइप के देखिए क्वेश्चंस आ गए. क्वेश्चन नंबर 14, ठीक है, एसर्शन टाइप के क्वेश्चंस हैं. ये 20 तक आपका यही हाल रहेगा, ठीक है, एक नंबर के आपको मिलेंगे क्वेश्चंस, इजिली आप हैंडल कर सकते हो. ओके, अब देखिए यहाँ पे आपको पैराग्राफ टाइप से दे दिया, रीड द फॉलोइंग. क्वेश्चन नंबर 18 को ध्यान दीजिए, रीड द फॉलोइंग एंड आंसर एनी 4 क्वेश्चंस फ्रॉम 18 to 18 5, ठीक है. मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में आपको यहाँ थोड़ा सा डिस्क्राइब किया है, नॉन मेटेलिक कैरेक्टर के बारे में आपको थोड़ा सा डिफाइन किया है, और उसके ऊपर बेस्ड आपसे कुछ क्वेश्चंस पूछे गए हैं. तो आपको आराम से पढ़ना है, इस ग्राफ को नज़र में डालना है, और उसके बाद में आपको एक एक करके ये चारों पाँचों जो हैं इसका आंसर आपको आराम से दे देना है, आपका मार्क्स मिल जाएगा. अगेन आप यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 19 भी वैसा ही है, 4 marks का क्वेश्चन है, मतलब एक एक करके 4 objective आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे, आराम से आप कर सकते हैं, क्योंकि पैराग्राफ आपको दिया हुआ है, पैसेज आपको दिया हुआ है, ठीक है. तो यहां आप इसको पढ़ेंगे और उसी के ऊपर बेस्ड जो क्वेश्चन है ये 19-1 से लेकर 19-2, 19-3, 19-4, 19-5, ठीक है. तो इसमें से 4 करने हैं, आपने 4 कर लेना है. क्वेश्चन नंबर 20 भी ऐसा ही है, सेम अगेन ऐसा ही, जहां जहां पैसेज होगा भले ही वो साइंस सब्जेक्ट हो या इंग्लिश, आपके लिए कहीं ना कहीं वो चीज़ें आसान हो जाती हैं, क्योंकि काफ़ी कुछ उस पैसेज के अंदर में ही रहता है. तो पैसेज को ठीक से पढ़िए, समझिए और लॉजिकली फिर आंसर दीजिए, जो कि आसान है. और खास तौर पे अगर ऑब्जेक्टिव रहा तब तो कोई दिक्कत ही नहीं है, क्योंकि 4 options आपको मिला ही रहेगा, आपको उसमें बस एक को चुनना है, ठीक है. अब हम आ जाते हैं सेक्शन 21 की तरफ, और अगर सेक्शन 21 आपको याद हो तो सेक्शन बी जो है उसमें आपको 21 से क्वेश्चन नंबर 26 तक पूछे जाएंगे. हर क्वेश्चन आपका जो है वो दो दो नंबर का रहेगा, ठीक है. चलिए मैं आपको दिखाता हूँ सेक्शन बी, ये रहा. अब गाइज यहाँ देखिए दो दो नंबर का क्वेश्चन है, साइड में मार्क्स दिया हुआ है यहाँ पर, है ना. एक सेकेंड, यस, ठीक है. चलिए तो यहाँ पे अब हम आते हैं क्वेश्चन नंबर अपने 21 की तरफ. अब यहाँ देखिए क्वेश्चन नंबर 2 आपको क्या बोल रहा है, दो नंबर का क्वेश्चन है, ठीक है. ज़्यादा आपको आंसर डिटेल में लिखना नहीं है. बाइल जूस डज नॉट हैव एनी डाइजेस्टिव एंजाइम बट स्टिल प्लेज अ सिग्निफिकेंट रोल इन द प्रोसेस ऑफ डाइजेशन, जस्टिफाई द स्टेटमेंट, ठीक है. तो इसमें आपको आंसर देना है, और एक और क्वेश्चन ऑप्शनल है, तो आप दोनों में से कोई भी में एक को दे सकते हैं. इन बर्ड्स एंड मैमल्स द लेफ्ट एंड राइट साइड ऑफ द हर्ट आर सेपरेटेड, गिव रीजंस. बर्ड्स और मैमल्स में लेफ्ट और राइट साइड जो हर्ट का होता है वो अलग रहता है, ठीक है. गिव इसके रीजंस आपको देने हैं, तो कोई भी आप दे सकते हैं, ठीक है. जहां तक बाइल जूस का सवाल है, वो एसिडिक फूड बनाता है जो कि स्टमक एल्कलाइन से आता है, ठीक है, फॉर द एक्शन ऑफ पैनक्रियाटिक एंजाइम्स,
ठीक है, बाइल सॉल्ट जो होते हैं वो ब्रेक करते हैं द लार्ज ग्लोब्यूल्स ऑफ फैट इन द इंटेस्टाइन टू स्मॉलर ग्लोब्यूल्स इंक्रीजिंग द एफिशिएंसी ऑफ एंजाइम एक्शन. दिस इज सिमिलर टू द एमल्सिफाइंग एक्शन ऑफ सोप्स ऑन डर्ट. ओके, तो ये रहा गाइज आपको दो दो नंबर के क्वेश्चंस जो कि आपको डिफिकल्टी लेवल नहीं होना चाहिए. ठीक है, हम आपको इसके स्पेसिफिक नोट्स जो हैं वो आपको प्रोवाइड कराएंगे, कोई इश्यूज नहीं है इस पर. देखिए ये क्वेश्चन काफ़ी रिपीट होता है बच्चों, आपको ये ध्यान देना होगा. ठीक है, तो इस पर ध्यान दीजिए, आपको कोई दिक्कत नहीं होगा. देखिए यहाँ पे क्या है, अ स्टूडेंट ऑब्जर्व द अबव फेनोमेनन इन द लैब एज ए वाइट लाइट पासेस थ्रू अ प्रिज्म. वाइट लाइट पास हो रहा है और डेफिनेटली उस साइड से जब क्रॉस होगा नेक्स्ट साइड से तो वो कलर में निकल जाता है, तो यहाँ रेड और वायलेट है. अमंग मेनी अदर कलर्स ही ऑब्जर्व द पोजिशन ऑफ द टू कलर्स रेड एंड वायलेट. तो जो स्टूडेंट ये प्रैक्टिकल कर रहा था उसको ये जो है उसने ध्यान दिया. ठीक है, तो ये कौन सा फिनोमिनन है, यही क्वेश्चन आपको पूछा हुआ है, व्हाट इज़ द फिनोमिनन कॉल्ड. तो ये फिनोमिनन कौन सा है, अगर आप ध्यान दे रहे हैं, आपने पढ़ा है तो आपको पता है ये डिस्पर्शन का फिनोमिनन है. ठीक है, और ऐसा आपको सेकंड इसी में क्वेश्चन पूछा है, व्हाट इज़ द रीज़न फॉर द लाइट वॉयलेट लाइट टू बेंड मोर देन द रेड लाइट. वॉयलेट लाइट जो है वो ज़्यादा बेंड हुआ रेड लाइट की तुलना में, ऐसा क्यों. तो ये क्यों है, क्योंकि स्पीड ऑफ वॉयलेट लाइट जो होता है इनसाइड द प्रिज्म इज स्लोएस्ट. उसका जो वॉयलेट लाइट का जो स्पीड होता है वो प्रिज्म के अंदर में सबसे कम होता है, और जबकि रेड का जो होता है वो हाईएस्ट होता है. तो इसी वजह से जो रेड वाला जो है उसकी तुलना में ये ज़्यादा बेंड होता है. ठीक है, तो मतलब आपको टू द पॉइंट आंसर देना है, घुमा फिरा के आंसर नहीं देना है, खासतौर पर ऐसे क्वेश्चन पे. ठीक है, ये अगेन आपका क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 26. अब आ जाते हैं हम क्वेश्चन नंबर 27 की तरफ, यानी कि सेक्शन सी आपका यहाँ से शुरू हो रहा है, और जहाँ से सेक्शन सी होगा वहाँ से आपका 3 मार्क्स का क्वेश्चन शुरू होगा. ठीक है, अब यहाँ देखिए, यहाँ भी आपको ऑप्शनल क्वेश्चन दे रहा है, मतलब या तो आप इस क्वेश्चन को भी कर सकते हैं या तो आप इस वाले क्वेश्चन को भी आप कर सकते हैं, कोई इश्यूज नहीं रहेंगे. ठीक है, तो जल्दी से आप देखते हैं क्वेश्चन को. आफ्टर सेल्फ पॉलिनेशन इन पी प्लांट विथ राउंड येलो सीड्स फॉलोइंग टाइप्स ऑफ सीड्स वर ऑप्टेन बाय मेंडल. मेंडल ने जो एक्सपेरिमेंट किया था उसके बाद में इस तरह से जो है सीड्स पाए गए थे. ठीक है, राउंड येलो टाइप के कितने हुए, राउंड ग्रीन कितने हुए. ठीक है, अब इस पे बेस्ड क्वेश्चन क्या है, एनालाइज द रिजल्ट एंड डिस्क्राइब द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस विच एक्सप्लेन्स दीज रिजल्ट्स. इसको आपको एक्सप्लेन करना है. ठीक है, ज़्यादा कुछ नहीं है, क्वेश्चन को ध्यान से देखना है. पैटर्न मैं आपको बस अभी समझा रहा हूँ क्वेश्चन का पैटर्न किस तरह से है. ठीक है, अब यहाँ क्वेश्चन 29 को देखिए, एक्सप्लेन वेयर एंड हाउ यूरिन इज प्रोड्यूस्ड. यूरिन कहाँ और कैसे प्रोड्यूस होता है. ठीक है, तो यहाँ पे यूरिन जो है वो आपको पता है, ब्लड पासेस थ्रू फिल्ट्रेशन यूनिट्स इन द किडनी कॉल्ड नेफ्रॉन. ठीक है, इट पासेस थ्रू ग्लोमेरुलस इन द बोमेंस कैप्सूल अल्ट्रा फिल्ट्रेशन. ठीक है, इसी को आपको एक्सप्लेन करके लिखना है, क्या यूरिन कहाँ प्रोड्यूस हो रहा है, ठीक है, कैसे प्रोड्यूस हो रहा है, वो आपको डिस्क्रिप्शन दे देना है. तो यही इसी टाइप से आपका क्वेश्चन नंबर 30, 31 भी चलेगा, 32, 33 तक भी चलेगा. ठीक है, अब लास्ट पार्ट है जो कि आपका इंपॉर्टेंट है, क्योंकि 34, 35, 36 यही वो 3 क्वेश्चन हैं जो कि लॉन्ग आंसर टाइप हैं, यानी कि 80 से 120 वर्ड्स लिमिट में आपको लिखना है, और 5-5 मार्क्स आपके हैं, यानी कि 15 मार्क्स हैं. हालांकि 15 मार्क्स हैं, लेकिन आपको पता है बोर्ड एग्जाम में 1 मार्क्स भी छोड़ना बहुत भारी पड़ जाता है कई बार. ठीक है, तो आपको बहुत ही फोकस्ड रहना है. अब नेचुरल है ये बड़े लॉन्ग क्वेश्चन टाइप के आंसर हैं, तो आपको बस थोड़ा सा ध्यान देना है, ज़्यादा कुछ नहीं. यहाँ पे भी देखिए ऑप्शन आपको मिल जा रहा है हर क्वेश्चन में, आपको इस फर्स्ट क्वेश्चन में तो मिला कम से कम एटलीस्ट 34. ठीक है, अगेन 35 एंड दिस वन इज 36. ठीक है, तो ये था गाइज आपका जो सैम्पल क्वेश्चन पेपर जो CBSE की तरफ से रिलीज किया गया है, ऑफिशियल सैम्पल पेपर है ये. अब हम इसका आंसर शीट भी आपको देंगे, ब्लूप्रिंट भी देंगे, आपको समझाएंगे कि किस चैप्टर से कितने जो क्वेश्चंस हैं वो आ रहे हैं. ठीक है, तो अभी फिलहाल इस वीडियो में बस इतना, नेक्स्ट वीडियो जरूर देखना नहीं भूलिएगा, अलग जो भी दूसरे सब्जेक्ट्स हैं उसके लिए उसको जरूर देखिए, मार्किंग स्कीम को समझिए. ठीक है, और साथ ही साथ जो हम आपको नोट्स प्रोवाइड करा रहे हैं, MCQs, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, उन सबको फॉलोअप जरूर कीजिएगा. तो गाइज आपको मेरे तरफ से एक सजेशन है कि ऑनलाइन क्लासेस चल रहे हैं ये हम सभी जानते हैं, लेकिन सिर्फ ऑनलाइन क्लासेस स्कूल या कॉलेजेस के भरोसे बैठने से आपका नहीं चलेगा, आप लोगों को अपना एक ग्रुप बनाना चाहिए. ग्रुप बनाइए, हमें वहाँ रिकमेंड कीजिए, हम आपको ना सिर्फ सारे चीज़ों को समझाएंगे बल्कि हम आपको जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आंसर्स हैं
नोट्स हैं, सारी चीज़ें आपको अवेलेबल कराएंगे। तो आप जिस भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर मौजूद हैं, चाहे वो व्हाट्सअप हो, इंस्टा हो, फेसबुक हो, ट्विटर हो, आप हमें रिकमेंड कर सकते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट वीडियोज़ मिस ना हो।